पेश है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्पॉन्सर्ड विशेष प्रोग्राम मतदाता जंक्शन सीजन 2 दी 6वीं कड़ी। जद जुड़न लोकां नाल लोक वोटां नाल वोट बने तद लोकतंत्र दा सिस्टम मतदाता जुड़दे जान बने तद ऐसा नवा कनेक्शन अपने हक ले वोट पाओ, ईवीएम ते बटन दबाओ, सही नुमाइंदा अगे ले आओ, लोकतंत्र दे इस मेले विच सारे जने अपना फर्ज निभाओ, वोट पाओ जी वोट पाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज मैं वोटर जंक्शन प्रोग्राम विच आई हां ते इस बार असी गल करांगे बेशक मेरी यानी के ईवीएम दी। चोणां दी गल होवे ते मेरा जिक्र ना होवे, ए किवें हो सकदा है? क्योंकि चोण प्रक्रिया मेरे राही यानी ईवीएम राही तां हुंदी है। मैं ही वोटरां लई अपने मतदान दे अधिकार नूं हासिल करन दा माध्यम बणदी हां ते वोटां दी गिणती भी मेरे राही ही हुंदी है। पर मैं इस सारी प्रक्रिया विच कल्ली नहीं हां, मेरे नाल मेरा पूरा परिवार हुंदा है ते आज मैं तुहानू अपने पूरे परिवार नाल मिलवाऊंगी, जिदे विच असी 4 मेंबर हां। तुसी मेरे परिवार दे एक मेंबर वीवीपैट नूं तां पहलां तों ही जानदे हो, हैरान हो गए? ओ ओही जो मेरे नाल हुंदी है, वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाईएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मैं चाहनी हां कि सारे पुराने वोटरां ते आउण वाले नवे वोटरां नूं ईवीएम नाल जुड़ी हर जानकारी देवां, क्योंकि वोटर जंक्शन दा तां निशाना ही ए है कि साडे वोटर स्मार्ट वोटर बनन। इसलिए अज मैं तुहानू प्रोफेसर जयदीप दे घर लैके जा रही हां, जिन्हां कोल मेरे बारे यानी कि ईवीएम बारे ज्ञान दा भंडार है। Good morning, sir. Good morning. युवराज, तू युवराज ही है ना? जी सर, सर तुसी मैनू पहचान लिया? हाँ, बिल्कुल पहचान लिया। तू वही गबरू है जो वोट पाउण तो इनकार कर रहा सी ते मेरे समझाउण तो बाद आज सब नू वोट पाउण बारे जागरूक कर रहा है। जी सर जी, जागरूकता मुहिम तो बहुत तेजी नाल चल रही है, पर सर इस मुहिम विच कई बार लोग ईवीएम बारे अजिहे सवाल पूछ लेंदे ने जिन्हां दा जवाब मेरे कोल भी नहीं हुंदा। उन्हां दे सवालां अगे मैं लाजवाब हो जांदा। अच्छा, एहो जिहे केड़े सवाल पूछदे ने लोग? सर लोग पूछदे ने कि ए ईवीएम दा बटन दबा के तां आ जांदे आ, पर उस तों बाद की हुंदा है, की नहीं हुंदा उहदा पता ही नहीं, ओह किवें विश्वास करन? ओह इंटरनेट ते ईवीएम नाल छेड़छाड़ बारे पूछदे ने। मैनू तो खुद शक होने लग पे है कि यह सब कितने सच तो नहीं। इंटरनेट का यही नुकसान है, हर कोई माहिर बनिया फिरदा है, पर युवराज ये सब सच नहीं। मैं तेनू एक गल बिल्कुल साफ ते स्पष्ट दस दिना जी सर, कि ईवीएम किसी भी तार जा इंटरनेट वाईफाई जा किसी ब्लूटूथ डिवाइस नाल जुड़िया नहीं हुंदा है, ना ही इस नूं कनेक्ट किया जा सकता है। हुण जदों तुसीं ईवीएम नूं किसे बाहरी डिवाइस नाल जां नैटवर्क नाल जोड़ ही नहीं सकते तो इस नाल छेड़छाड़ किवें हो सकती है? ये पूरी तरह नाल छेड़छाड़ तो रहित है, हैकिंग हुकिंग वर्गी कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए चिंता करन वाली भी कोई गल नहीं। ठीक है सर, मैं तो समझ गया, पर कोई आम वोटर ये गल किदा समझेगा? आजकल हर कोई गारंटी मांगता है। बिल्कुल युवराज,
एक गारंटी भी मिलेगी। तुसी ए बहुत चंगी तरह कर सकते हो। मैं तुहानू दसदा, ईवीएम दी वरतों 1982 च शुरू हुई सी, उदों तो ही कई लोग इस ते सवाल चुक रहे ने। फिर हौली हौली इस ते होर खोज होण लगी ते 2011 च पहली बार ईवीएम दे नाल VVPAT यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कीता गया। जी सर, VVPAT इहदे बारे तां सुनिया सारे ने, पर ये करदा की है ये नहीं पता। असी इहदे बारे भारतीय चोण कमिशन दे अधिकारियों तो सुनिया, तुसी भी सुनो युवराज। जी सर। नमस्कार, मैं ईशा खोसला, दक्षिणी पूर्व दिल्ली की जिला निर्वाचन अधिकारी। आज आप सभी के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, ईवीएम का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है कंट्रोल यूनिट। इसी में वोटों की गिनती जमा होती है, इसी से वोटों की गिनती चुटकियों में की जाती है और कंट्रोल यूनिट से ही ईवीएम चालू होता है। फिर कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है बैलेट यूनिट, बटन दबाते ही इसी में सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। फिर बैलेट यूनिट के पास आपको एक और मशीन दिखाई देगी जिसे वीवीपैट कहते हैं। बैलेट यूनिट पर बटन दबाते ही वीवीपैट बता देगा कि आपने जिस उम्मीदवार के पक्ष में बटन दबाया है, ईवीएम ने भी उसी को रिकॉर्ड किया है। यह सब एक पर्ची पर लिखा आ जाता है और वीवीपैट में भी स्टोर हो जाता है। अच्छा सर, एक बैलेट यूनिट विच किन्ने उम्मीदवारों का नाम आ सकता है? एक बैलेट यूनिट विच नोटा समेत कुल 16 नामों लई थां हुंदी है। पर सर, वीवीपैट वाली पर्ची सानू तां मिलदी नहीं। नहीं नहीं युवराज, वो पर्ची वोटर नू नहीं मिलदी, वो पर्ची वीवीपैट विच ही जमा हो जांदी है। पर सर, वीवीपैट मशीन विच पर्ची जमा करन नाल की हुंदा है? वाजिब सवाल। जेकर कोई उम्मीदवार वोटां दी गिनती ते सवाल उठाउंदा है तां ओ अप्लाई करके वोटां दा मेल उन्हां पर्चियां नाल करवा सकदा है, पर उस उम्मीदवार दा तौखला सच होना चाहिदा है। अजिहे मामले विच हर वोट दा मेल वीवीपैट विच ही जमा पर्चियां नाल कीता जा सकदा है ते पर्चियां राहीं भी वोटां दी गिनती कीती जा सकदी है। वाह, भारत दे चोण कमिशन ने सचमुच बहुत तैयारियां कीतियां ने। पर सर, मान लो जेकर वोटिंग दौरान ईवीएम काम ना करे तां की होएगा? ए हो ही नहीं सकता युवराज। वोटिंग तो एक घंटा पहला इस संबंधी सारी जांच पड़ताल कीती जांदी है। मॉक पोल दी पूरी प्रक्रिया भारतीय चोण कमिशन दे अधिकारियां ते उम्मीदवारां जां उन्हां दे एजेंटां दी मौजूदगी विच कीती जांदी है। समझे युवराज? सर, हुण ए मॉक पोल की चीज है सर? इहदा जवाब भी मिलेगा। हुण मैं तैनू उस शख्सियत नाल जाणू करवावां जो तैनू मॉक पोल दी पूरी प्रक्रिया बारे दसेगी। जी सर। मेरा नाम संतोष कुमारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी दी है। मॉक पोल कराते समय हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और विभिन्न पार्टी के एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। सर्वप्रथम हमें चुनाव आयोग से मिली तीनों मशीनों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट को हम सेट कर देते हैं। जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो वीवीपैट में से 7 स्लिप्स अपने आप बाहर आती हैं, जिन पर लिखा होता है नॉट टू बी काउंट, जिसका अर्थ है इन्हें मॉक पोल में जोड़ा नहीं जाएगा। फिर हम कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन प्रेस करते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर उसमें पहले से वोट डले होंगे तो वह क्लियर हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल यूनिट में ही रिजल्ट बटन को प्रेस करते हैं और कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं। क्योंकि हमने पहले ही क्लियर बटन दबाया है, अतः रिजल्ट 0 ही आएगा। अब हम मॉक पोल पार्टी एजेंट के द्वारा करवाएंगे। इसमें हम कंट्रोल यूनिट के बटन को प्रेस करेंगे, इसका अर्थ है कि बैलेट यूनिट अब वोट डालने के लिए तैयार है। एजेंट अपना वोट डालेगा, तभी एक लंबी सी बीप 2 सेकंड के लिए सुनाई देगी और वीवीपैट की साइड स्क्रीन पर हमें करीब 7 सेकंड तक स्लिप दिखाई देगी कि हमने किस उम्मीदवार को वोट डाला है। एक वोट डालने में हमें करीब 15 सेकंड का समय लगता है। इसका रिकॉर्ड हम अपने पास भी रखेंगे। 50 वोट डालने के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन प्रेस करते हैं और फिर कंट्रोल यूनिट में ही रिजल्ट बटन को प्रेस करते हैं। कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर हमें डेट एंड टाइम और मशीन का नंबर दिखाई देता है। फिर हर उम्मीदवार के डले वोटों की संख्या आती है, जिसे हम अपने रजिस्टर से मिलान कर लेते हैं।
इसके बाद हम जो पहली वीवीपैट से 7 स्लिप्स निकली थी और 50 मॉक पोल स्लिप वीवीपैट से बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम ब्लैक इन्वेलप में डालकर पिंक पेपर से सील कर देते हैं और इस इन्वेलप पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर व सभी पार्टीज के एजेंट्स के हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस प्रकार हमारी मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सचमुच सर, ये तो बहुत बढ़िया तकनीक है। मान लो सर अपा वोट पा दी, वोट वेरीफाई भी कर ली, पर इस तो बाद कि फिर अगे दी प्रक्रिया की होंदी है? वेरी गुड क्वेश्चन युवराज। वोटिंग तो बाद ईवीएम भारत दे चोन कमिशन दे अधिकारियां ते उम्मीदवारां जां उन्हां दे एजेंटां दी निगरानी हेठ सील कीते जांदे ने जी। ते ईवीएम नू सील करन तो बाद इस नू भारतीय चोन कमिशन दे अधिकारियां ते उम्मीदवारां जां उन्हां दे एजेंटां दी मौजूदगी विच स्ट्रोंग रूम विच सुरक्षित रखिया जांदा है। वाह जी वाह, स्ट्रोंग रूम दी स्ट्रोंग सिक्योरिटी। बिल्कुल युवराज जी, कुल मिला के ईवीएम दी मदद नाल साडे देश दीआं चोणां आजाद निरपक्ष ते पारदर्शी ढंग नाल करवाईआं जा रहीआं ने। राइट सर। हां जी दोस्तों, मैं ईवीएम एक बार फिर तुहाडे सामने हाजिर हां। मैं उम्मीद कर दिया कि तुसी ओ सब कुछ समझ गए होवोगे जो प्रोफेसर जयदीप सिंह ने ईवीएम बारे दस्या। हुण एनिया सारिया ज्ञान दिया गल्लां सुनन तो बाद समा आ गया है तुहाडे ज्ञान नूं परखण दा। असी हर एपिसोड विच पुछदे हां अपने श्रोतियां तो एक सवाल, ते अज दा सवाल है ईवीएम विच एक बैलेट यूनिट ते नोटा समेत किन्ने उम्मीदवारां दे नाम दर्ज कीते जा सकते ने? सवाल एक बार फिर सुन लो। ईवीएम विच एक बैलेट यूनिट ते नोटा समेत किन्ने उम्मीदवारां दे नाम दर्ज कीते जा सकते ने? नवे श्रोतियां नूं जानकारी लई दस दईए कि तुसी सानूं व्हाट्सएप नंबर 9999931950 ते अपने जवाब भेज सकते हो। भारत दे चोण कमिशन तों जेतू नूं मिलेगा विशेष इनाम। ते पिछले एपीसोड विच पुछे गए सवाल कि नेत्रहीन वोटरां लई वोटिंग सहूलत लई ईवीएम ते केड़ी लिपि दी वरतों कीती जांदी है, जिस दा सही जवाब है ब्रेल लिपि। ते पिछले एपिसोड दे जेतू दा नाम है पीवी शोभालथा आंध्र प्रदेश तों। प्यारे श्रोतियो, हुण समा आ गया है दिलचस्प तथ्य जानण दा। नन ऑफ द अबव अर्थात नोटा, ईवीएम ते बैलेट पेपर ते भारत दे माणयोग सुप्रीम कोर्ट दे 2013 दे निर्देशां अनुसार ए चोण कमिशन वल्लों पहली बार 2014 दियां आम चोणां विच वोटरां नूं दित्ता गया सी। है ना ए दिलचस्प तथ्य। भारत विच ईवीएम नूं लै के सुप्रीम कोर्ट विच कई पटीशनां दायर कीतीआं गईआं ते मंग कीती गई कि वोटिंग पहलां वांग बैलेट पेपर दे नाल ही करवाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां पटीशनां नूं रद्द कर दिता क्योंकि ईवीएम एक सफल ते सुरक्षित प्रणाली है। चलो, जद हुण तुसी वोट देन जाओगे तो तुहाडी ईवीएम यानी मेरे परिवार नाल मुलाकात जरूर होवेगी। इसी तरह जागरूक बनो ते होरां नूं भी जागरूक करो ते नाल ही सुनना ना भुलो वोटर जंक्शन। अगली बार फिर मिलांगे इसी दिन इसी समय फिर किसी दिलचस्प विषय दे नाल। होवांगे तुहाडे नाल। हमेशा हसते रहो, बसते रहो। वोटर जंक्शन दी टीम नूं हुण देओ इजाजत। साडी पूरी टीम वल्लों तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वोट पाओ जी, वोट पाओ, अपने हक लई वोट पाओ। ईवीएम ते बटन दबाओ, सही नुमाइंदा अग्गे लियाओ। लोकतंत्र दे इस मेले विच सारे जने अपना फर्ज निभाओ। वोट पाओ जी, वोट पाओ, वोट पाओ जी, वोट पाओ, वोट पाओ जी, वोट पाओ। हुणे तुसी सुन रहे सी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्पॉन्सर्ड विशेष प्रोग्राम मतदाता जंक्शन सीजन 2 दी 6वीं कड़ी। जद जुड़न लोकां नाल लोक वोटां नाल वोट बने तद लोकतंत्र दा सिस्टम, लोकतंत्र दा सिस्टम। मतदाता जुड़दे जान बने तद ऐसा नवा कनेक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन।